अब तक हम लोगों ने जो हीट और वर्क का जो इंटरैक्शन है इसके एनालिसिस के लिए कुछ अजम्पशन को कंसीडर किया और वो हमने जाना। अब हम लोग ये जो वर्क है इसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। किसका एनालिसिस करेंगे? वर्क एनर्जी का एनालिसिस करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं वो कोई ना कोई वर्क परफॉर्म करते हैं, या ये भी हो सकता है किसी किसी सिस्टम में कोई भी वर्क परफॉर्म ना हो, लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, एन नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क को स्टडी करेंगे। मतलब वैसे तो देखा जाए बहुत सारे टाइप ऑफ वर्क होते हैं, बट मेजोरिटी जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आप देखोगे कि कुछ तीन चार टाइप के कुछ वर्क हैं, मोस्टली प्रॉब्लम में वही टाइप के वर्क पूछता है और जो अपने सिलेबस में है, तो वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने जैसे कि कुछ अजम्पशन को कंसिडर किया वर्क के लिए, ठीक है, क्या अजम्पशन था वो जो अजम्पशन थे, अजम्पशंस अगर मैं इसकी बात करूं तो वो ये था कि अगर मुझे कोई सिस्टम दिया है, सपोज दिस इज माय एक सिस्टम, तो इस सिस्टम के लिए इफ ये जो है दिस इज व्हाट बाय द सिस्टम, यानी अगर वर्क जो हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो हमने क्या अज्यूम किया कि दिस इज कंसीडर्ड एज क्या पॉजिटिव। सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है तो उसको कंसीडर करना है पॉजिटिव, लेकिन अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, कुछ इस तरह से वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये केस में हम लोग क्या करेंगे, ये केस में इसको कंसीडर करना है निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि जो भी मेरे को सिस्टम दिया है वो वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो रहा है या ऑन द सिस्टम हो रहा है। तो हम लोग नंबर ऑफ एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि क्या एक्चुअली ये बोलना क्या चाहता है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, एक डिवाइस दिया है, इसमें ये है बैटरी और इस बैटरी से कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है, एक मोटर, दिस इज माय मोटर, और इस मोटर में लगी हुई है शाफ्ट, दिस इज माय शाफ्ट, और इस शाफ्ट के ऊपर एक केबल को वाइंड किया गया है और उस केबल से हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट को लिफ्ट किया जा रहा है। मतलब ये मेरा कुछ वेट है यहां पे रखा हुआ है, दिस इज वेट, ये केबल है। तो अब मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि ये बैटरी और ये मोटर, ठीक है, ये बैटरी और मोटर को मैं स्टडी करना चाहता हूं। किस चीज को स्टडी करना चाहता हूं, सिर्फ बैटरी और मोटर को, मैं इस पार्ट को स्टडी नहीं करना चाहता। तो ये केस में मेरे लिए सिस्टम क्या बन जाएगा, मेरे लिए सिस्टम बन जाएगा इतना पोर्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज माय सिस्टम। इस पार्ट को एक्सक्लूड कर दिया अगर मैंने, तो बाकी जो चीजें बची वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी सराउंडिंग, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कहलाएगा बाउंड्री। तो ये यहां पे ये है मेरी बाउंड्री। अब क्या हो रहा है, ये जो बैटरी है, बैटरी के पास कुछ एनर्जी है, ये एनर्जी दे रहा है इस मोटर को। अब मोटर क्या करेगा, जैसे एनर्जी पाएगा वो घूमने लगेगा, और घूमने की वजह से क्या होगा, ये जो वेट है, ठीक है, ये जो वेट यहां पे है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, नए पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि ये जो वेट था ये नीचे था, ठीक है, यहां पे मैं क्या करता हूं, एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करता हूं, दिस इज माय रेफरेंस। ध्यान से देना, ध्यान से देखना इस एग्जांपल को, दिस इज माय रेफरेंस। अब आप देखोगे कि पहले वेट यहां पे था, तो ये H1 हाइट, H1 अगर हाइट है तो इस वेट के पास MgH1 की एनर्जी थी, ठीक है। बाद में क्या हो रहा है कि जैसे ही मोटर ने, मतलब मोटर जैसे स्टार्ट हुआ तो ये वेट क्या हुआ, ऊपर जाने लगा, तो ऊपर जाने की वजह से क्या हो गया, इस वेट की हाइट हो गई H2। अब इस वेट की क्या एनर्जी हो गई,
MgH2। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अगर मैं इस वेट की बात करूं तो इसकी एनर्जी कम हुई है या बढ़ी हुई है, वो बताओ मुझे। आप बताओ, सोचो जरा, तो क्या हुआ है इसमें, इस वेट की एनर्जी बढ़ गई है। अब इसको एनर्जी मिली कहां से, बात यह है ना कि मतलब जब पहले इतनी MgH1 की एनर्जी थी, बाद में MgH2 की एनर्जी हो गई, तो कुछ तो एनर्जी इसको मिली, ठीक है, इस वेट को मिली। अब ये एनर्जी मिली कहां से, ये एनर्जी मिली इस मोटर के थ्रू, इस बैटरी के थ्रू। तो अगर ये मेरा सिस्टम है, ये ग्रीन वाला पोर्शन, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये जो पूरा मेरा सिस्टम है ये क्या कर रहा है, ये वर्क परफॉर्म कर रहा है, यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यहां पे क्या हो गया कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम हुआ। तो ये केस में जो वर्क आएगा कितना आएगा, ये हाइट ज्यादा है या हाइट कम है, यानी MgH2 - H1 ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये ग्रीन वाला ये मेरा सिस्टम है, तो इसके लिए क्या कंसीडर करूं मैं, पॉजिटिव या निगेटिव, बताओ जल्दी। तो इसके लिए मैं कंसीडर करूंगा पॉजिटिव। अब H2 ज्यादा है तो H2 - H1 भी पॉजिटिव आने वाला है, तो ओवरऑल वैल्यू आएगी पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वेट की, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये जो मेरा वेट है इसको मैं सिस्टम पकड़ता हूं, ये जो मेरा वेट है अगर मैं इसको सिस्टम पकड़ता हूं, इस वेट को अब मैं सिस्टम पकड़ता हूं, तो अब आप देखोगे कि ये वेट पहले H1 हाइट पे था, बाद में इस मोटर के जरिए क्या हुआ, ये वेट ऊपर चला गया, यानी इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, यानी इस सिस्टम को बाहर से एनर्जी मिली, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, अगर मैं वेट को सिस्टम पकड़ता हूं तो इसके लिए क्या हो गया, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ। तो ये केस में, अभी ये केस में क्या होगा, इसके लिए अगर मुझे निकालना है कि कितना वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, तो उसके लिए हो जाएगा W = MgH2 - H1, बट ये आएगा निगेटिव में, क्यों, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब क्या हुआ, बाहर से एनर्जी जो है, वर्क एनर्जी इस वेट को मिल गई। ठीक है, तो जब बाहर से एनर्जी सिस्टम को मिलती है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी निगेटिव। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, ये हमने समझ लिया। अब मैं क्या करता हूं, अब ध्यान से देखना इस चीज को, अब मैं दूसरा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल ये है, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक जनरेटर, और इस इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है, 1 टर्बाइन, टर्बाइन कनेक्टेड है। इस टर्बाइन में एक शाफ्ट है, और इस शाफ्ट पे केबल वाइंड किया गया है, और वो केबल के थ्रू एक वेट हैंग किया गया है। क्या किया गया, वेट हैंग किया गया है, और ये है मेरा रेफरेंस ग्राउंड। ये इस वेट की इनिशियल जो हाइट है वो है H3। अब ध्यान देना इस चीज को, अब इतने सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर, एक टर्बाइन, ये अलग वेट, तो मैं इस वक्त किसको स्टडी करना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रिक जनरेटर प्लस टर्बाइन को स्टडी करना चाहता हूं। तो मेरे लिए सिस्टम क्या बन जाएगा, मेरे लिए सिस्टम बन जाएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर प्लस टर्बाइन, सो दिस इज माय सिस्टम। अब क्या हो रहा है, अब ध्यान देना, ये वेट पहले H3 हाइट पे था, बाद में कुछ टाइम के बाद ये वेट, मतलब इनिशियली क्या हुआ कि इस वेट को किसी ने सपोज यहां से पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे सपोज किसी ने इसे हाथ से पकड़ के रखा हुआ है, ओके, और H3 हाइट पे है। बाद में सडनली यहां से हैंड को रिमूव कर दिया गया, हैंड को जैसे ही रिमूव किया फिर क्या हो गया, ये मास, ये जो वेट है ये कुछ तो नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया, ये आ गया न्यू पोजीशन पे, विच इज यहां पे आ गया, और अब जो मुझे हाइट मिली वो मिली H4। अब क्या हुआ कि ये वेट जब नीचे आया तो ये केबल, ये जो शाफ्ट पे वाइंड किया गया था, ये क्या हो गया, ये शाफ्ट घूम गया, और जैसे ही शाफ्ट घूम गया तुरंत क्या हुआ, ये टर्बाइन का जैसे ही शाफ्ट घुमा वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो अब इसमें क्या हो रहा है, आप मुझे बताओ क्या हो रहा है, सोचो जरा, इसमें
इस वेट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो लॉस हो गई और वो एनर्जी चली गई इसको। यानी मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि वो इस सिस्टम के लिए ये जो मेरा ग्रीन वाला पोर्शन मैंने इसमें डॉटेड लाइन से शो किया है, अगर मैं इसको सिस्टम कंसिडर करता हूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इस सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी W इज इक्वल टू एम जी एच थ्री माइनस एच फोर और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इस सिस्टम के ऊपर हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम के ऊपर हो रहा है यानी नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया नेगेटिव। फिर उसके बाद अगर मान लो इस वेट को मैं सिस्टम पकड़ता हूं अपना, इस वेट को, तो इसके लिए आप देखोगे तो पहले एनर्जी ज्यादा थी बाद में कम हो गई, यानी इस सिस्टम ने क्या किया, वर्क प्रोड्यूस किया, यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम, इसने वर्क प्रोड्यूस किया। तो जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम होता है तो वो होता है पॉजिटिव, ठीक है, क्या होता है पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा एम जी एच थ्री माइनस एच फोर और ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, मतलब ये जो वर्क मुझे मिलेगा ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, यहां पे निगेटिव वैल्यू मिलेगा, यहां पे भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, निगेटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड तो मुझे पता चल गया क्या हो रहा है, लेकिन बेस्ड ऑन सिस्टम, मैं किस सिस्टम को स्टडी करना चाहता हूं उसके अकॉर्डिंगली ये जो वर्क डन होगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, आइदर ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। मतलब अगर वर्क वहां पे हो रहा है तो, अगर मान लो वर्क हो ही नहीं रहा है तो ऑफकोर्स वो जीरो हो जाएगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब एक सिंपल सा एक तीसरा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि सपोज एक बंदा है यहां पे और वो भाग रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो अगर मान लो इस बंदे को, ये जो बंदा है, एक तरह का मैं बोल सकता हूं कि दिस इज व्हाट, एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और मैं क्या चाहता हूं, मैं इस ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना चाहता हूं, ये जो ह्यूमन बॉडी है मेरे पास इसकी, इस बंदे की, इसको मैं स्टडी करना चाहता हूं। तो अगर मैं इस ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना चाहता हूं तो ये मेरे लिए कहलाएगा सिस्टम। अब क्या हो रहा है, अब ये बंदा भाग रहा है, तो भागने की वजह से क्या होगा, भागने की वजह से इस बंदे की एनर्जी लॉस्ट होगी, ये बंदा अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसको कि ये जो वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है, मान लो कुछ डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क ही परफॉर्म कर रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बताओ। अब यहां पे क्या हो रहा है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो वो होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्लियर है ये चीज कि बेस्ड ऑन द सिस्टम ये चेंज हो सकता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू होगी या निगेटिव वैल्यू होगी। मुझे कोई भी सिस्टम अगर दिया है तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो वर्क हो रहा है ये बाय द सिस्टम हो रहा है या ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट मैं पॉजिटिव या निगेटिव साइन कंसिडर करूंगा। तो इस तरह हमने इस चीज को समझ लिया कि जो भी मेरे पास सिस्टम दिया है तो उसमें मुझे उस वर्क को कौन सा साइन देना है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो मुझे उसमें यह आइडेंटिफाई करना है कि जो भी सिस्टम दिया है उसमें वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो रहा है या वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक बार आइडेंटिफाई अगर हमने कर लिया तो हम लोग इजिली जो है उसका साइन डिसाइड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को मैं यही फिनिश करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग अलग अलग टाइप के वर्क को स्टडी करेंगे।